अभी तक तो पहले की तरह बस एक डाइनिंग कार नहीं आ रही। राइस, नान, दाल, रायता, अचार। करीब हम न्यू रैक्स हमारे आएंगे। और आपकी ट्रेन को जो है वो साफ सुथरा रखेगा, एक अच्छे मियार के मुताबिक ट्रेन को लेकर जाएगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूँ इस वक्त कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर, और आज जो है आप लोग मेरी हालत देखकर समझ ही गए होंगे कि आज कराची में जो है बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो दोस्तों इतनी शदीद बारिश में आज हमारा कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर आने का मकसद ये है कि आज 5 जुलाई 2022 को जो है वो कराची और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली 7 अप 8 डाउन तेजगाम एक्सप्रेस जो है वो प्राइवेट हो रही है, कि जिसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी यानी कि उस ट्रेन का फर्स्ट ट्रेन को कैप्चर करने के लिए हम लोग आए हैं इस वक्त कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस वक्त कराची रेलवे स्टेशन पर जो है वो काफी ज्यादा बारिश हो रही है, काफी तेज बारिश हो रही है, जिस वजह से ट्रेन जो है वो काफी लेट है। कराकरम एक्सप्रेस अब तक नहीं निकली है, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस अब तक नहीं निकली है, दोनों ट्रेन अभी तक कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद है। तो ये ट्रेन जाएंगी, इसके बाद कराची लाहौर की ट्रेन जाएंगी, उसके बाद ही जो है वो 7 अप ट्रेन का एक्सप्रेस का इनॉग्रेशन होगा। और देखना ये है कि क्या इतनी शदीद बारिश में ट्रेन को सजाया जाता है, क्या लोकोमोटिव को सजाया जाता है या फिर नहीं, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है इस वक्त। तो ये एक GU4900 जो है ZCU-DD के पीछे पीछे जा रहा है, काफी अच्छी बारिश हो रही है इस वक्त कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर। सर प्लेटफॉर्म नंबर 5 से निकल रहे हैं दोनों लोकोमोटिव। अपनी अपनी ट्रेन्स को लेने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों आप लोग परेशान तो होंगे कि ट्रेन प्राइवेट हो चुकी है तो इसकी रिजर्वेशन वगैरह कहाँ से होगी, कहाँ से मुसाफिर अज़ाद जो है वो टिकट लेंगे। तो अब आप लोगों ने घबराना नहीं है, बिल्कुल मेन जो प्लेटफॉर्म है यानी कि उसके बिल्कुल अपोजिट जहाँ से बाकी ट्रेन की रिजर्वेशन होती है, बिल्कुल मेन रिजर्वेशन ऑफिस जो है कराची कैंट रेलवे स्टेशन का, वहीं से आप जो है इस ट्रेन की भी टिकट ले सकते हैं। कहाँ से मैं आपको दिखा रहा था अंदर जाके, तो बारिश हुई है तो ये काफ़ी दुख हुआ ये देखकर अंदर के रिजर्वेशन ऑफिस के इस तरह के मनाजिर। और ये देख सकते हैं आप कि NCS का ये बोर्ड लगा हुआ है तेजगाम के रिजर्वेशन के हवाले से, और ये बिल्कुल सामने जो है टिकट्स वगैरह दिए जा रहे हैं तेजगाम एक्सप्रेस के, और इसके फेयर्स वगैरह जो है इंक्रीज हुआ है नहीं हुआ ये अभी हम कुछ ही देर में आपको बताते हैं, बाकी टिकट आपको यहाँ से मिल सकता है। तो दोस्तों फाइनली ये 7 अप तेजगाम एक्सप्रेस का जो है वो रेक निकल रहा है वॉशिंग लाइन से, जिसको कवर करने के लिए हम स्पेशली यहाँ पर आए हैं। जबकि आप आउटर पर देख सकते हैं बिल्कुल कराची छावनी के पीछे जो है वो 15 अप कराची एक्सप्रेस अभी निकली है कराची कैंट रेलवे स्टेशन से, ट्रेन तकरीबन 1 घंटा लेट निकली है। और इसके अलावा जो बराबर में आप एक ट्रेन देख रहे हैं GM-DD के साथ, ये है इस्लामाबाद कराची के दरमियान चलने वाली 6 John Green Line एक्सप्रेस। तो बारिश की वजह से जो है सारी ही ट्रेन लेट हैं, एक 6307 लोकोमोटिव जो है ZCU-DD वो आपके सामने खड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको,
वो शायद तेजगाम एक्सप्रेस की लीड पर लगे या फिर बिजनेस ट्रेन की लीड पर लगे, 33 अप की लीड पर, ये अभी कुछ ही देर में पता लगेगा। तो चलें आज की जो हमारी मेहमान ट्रेन है यानी कि तेजगाम एक्सप्रेस, इसको वेलकम कहते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। तो दोस्तों तेजगाम एक्सप्रेस की अगर हम बात करें तो ये पाकिस्तान की एक मायनाज ट्रेन है और ये जो है तकरीबन अपनी सर्विसेज दे रही है पाकिस्तान रेलवे को 1950 से। तो जब ये ट्रेन 1950 में चलना शुरू हुई थी तो ये ट्रेन कराची से लेकर पिशावर तक चला करती थी, लेकिन बाद में इस ट्रेन का रूट जो है वो सिर्फ लाहौर तक महदूद कर दिया गया था और अब तक जो है ये ट्रेन सिर्फ कराची से लाहौर के दरमियान ही चल रही है। बारिश जो है वो भी इस वक्त दोबारा से शुरू हो चुकी है, हल्की हल्की बूंदें पड़ना शुरू हो चुकी हैं। ट्रेन को जो है वो आगे से थोड़ा बहुत सजाया भी गया है। तो ये स्टिकर जो है बहुत बड़ा स्टिकर लगा दिया गया है ट्रेन के मुख्तलिफ जगहों पर। स्टिकर का साइज आप देख सकते हैं, जबकि 7 अप में जो स्टिकर लगाए गए हैं आज, सॉरी 8 डाउन में जो लगाए गए हैं जो रावलपिंडी चली है, वो काफी अच्छे काफी बड़े स्टिकर्स लगाए गए हैं, लेकिन 7 अप के साथ ये जुर्म कर दिया गया है। रेक की कंडीशन आप देख सकते हैं कैसी है इस वक्त। ग्रिल वाला कोच भी आज तेजगाम का हिस्सा है। तो ये बिजनेस क्लास के कोचेस जो है इन्हें डेकोरेट किया गया है थोड़ा बहुत। जो कि वॉशिंग लाइन से ही डेकोरेट होकर आए हैं। तो देखना यह है कि क्या अभी प्लेटफॉर्म बनाने के बाद ट्रेन को दोबारा से डेकोरेट किया जाता है या फिर नहीं। साथ ही अब इतने ट्रेन प्लेस होती है इतने, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये ट्रेन जो है कराची और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली एक रेगुलर पैसेंजर ट्रेन है, जो कि कराची से जो है शाम तकरीबन 5:30 बजे अपना सफ़र शुरू करती है। इसी तरह जो ये ट्रेन है वो रावलपिंडी से अपना सफ़र सुबह 8 बजे शुरू करती है, यानी कि प्राइवेट होने के बाद पहली जो इनकी ट्रेन है NCS की तेजगाम एक्सप्रेस, वो सुबह 8 बजे निकल चुकी है रावलपिंडी से, जबकि कराची से जो है ये 5:30 बजे निकलेगी इस वक्त। ट्रेन के रेक की कंडीशन अगर आप देखें तो फिलहाल जो है वही पुराना रेक है ट्रेन का, कुछ चेंजेस नहीं है, कोई नया रेक नहीं है। और कोचेज जो आपको थोड़े बहुत साफ लग रहे हैं वो भी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बारिश की वजह से साफ है। तो 5:30 बजे ट्रेन चलने के बाद जो है अपना पहला स्टॉप करेगी कराची कैंट के बाद हैदराबाद जंक्शन, उसके बाद रोड़ी, भावलपुर, मुल्तान, खानेवाल, साहेवाल, लाहौर, लाला मूसा, वजीराबाद के रास्ते से होती हुई ट्रेन रावलपिंडी तक जाएगी, यानी कि पूरा जर्नी जो है ये ट्रेन मेन लाइन 1 पर ही करती है। तो बारिश दोबारा से शुरू हो चुकी है। तेजगाम एक्सप्रेस RG245201 के साथ तेज हो चुकी है कराची कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। और ZCU36307 ट्रेन को कराची से लाहौर तक हॉल करने के लिए आ चुका है। तो ये देख सकते हैं आप कुछ इस तरह का असल बसल होता है स्टेशन पर जब आपकी ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म पर प्लेस होती है। काफ़ी सारे मुसाफिर जो है अपने कोचेस की तरफ भागते हैं, दौड़ते दिखाई देते हैं, अपनी सीटों पर लड़ते हुए भी दिखाई देते हैं। हमारी भी काफ़ी बार लड़ाई हुई है इस तरह सीट्स पर। तो ये ओल्ड स्लीपर का कोच लगा हुआ है, साथ ही ये बिजनेस क्लास का कोच है। अंदर चल के देखते हैं, अंदर की सूरत हाल कुछ ऐसी है। केबिन्स में कुछ नया नहीं है प्राइवेट होने के बाद, वही नॉर्मल जिस तरह होते हैं केबिन, सेम वही सूरत हाल है, कुछ नया नहीं है। ये देख सकते हैं आप इस वक्त की सूरत हाल,
ये 6 persons केबिन है बिजनेस क्लास का, और जिस तरह पहले होता है वो वैसा ही है। तो आज ट्रेन के मुसाफिर जो है एक बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, उनसे हम थोड़ी बहुत बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शफीकुर रहमान है। मोहम्मद शफीकुर रहमान, आज आप ये ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तेजगाम एक्सप्रेस में, आपको मालूम है कि आज प्राइवेट हो गई? जी, अभी पता चला है, आए तो अभी पता लगा है। तो आपने टिकट वगैरह जब करवाया तो उसमें उससे पहले नहीं पता था आपको? नहीं, उसका नहीं पता था, पहले 1 तारीख पहुंची थी लेकिन अभी नहीं हुई थी 1 तारीख को। हाँ, तो फिर कुछ नया लगा प्राइवेट होने के बाद ट्रेन में? अभी सफर करेंगे तब पता चलेगा। अभी जब आपने ट्रेन को देखा, देखने के बाद कुछ नया लगा? नहीं, अभी तक तो पहले की तरह बस डाइनिंग कार नहीं आ गई है। बस डाइनिंग कार नहीं आ गई, चलिए डाइनिंग कार में अभी हम चलते हैं। बाकी सब आपको सेम ही लगा? मुझे भी सेम लग रहा है, कुछ नया नहीं है। चलें, अब आप ट्रैवल करेंगे फिर आपको पता लगेगा, फिर हम जब हम ट्रैवल करेंगे हमें पता लगेगा कि एनसीएस ने क्या सर्विसेज दी है मुसाफिरों को। बहुत शुक्रिया। तो ये आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म पर प्लेस होने के बाद जो है ट्रेन को सजाया जा रहा है दोबारा से। जिक्रिया एक्सप्रेस ने विजिल दे दिया पहले ही। तो दोस्तों, 7 अप 8 डाउन तेजगाम एक्सप्रेस के प्राइवेट होने के बाद जो नई चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी वो है ये डाइनिंग कार, जो कि प्राइवेट होने के बाद जो है ट्रेन में लगा दी गई है। पहले जो है ये ट्रेन में नहीं लगाई जाती थी। तो चले अब इस डाइनिंग कार के अंदर चल गए, इसका भी एक क्विक रिव्यू करते हैं। तो ये कुछ हालात है इस डाइनिंग कार के। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे अंकल जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे? तो सर ये आज प्राइवेट हो रही है आप ट्रेन, आप डाइनिंग मैनेजर? नहीं बेटा, मैं वेटर हैं आप? अच्छा जी, तो आप प्राइवेट होने के बाद ये डाइनिंग कार लग गई है ट्रेन में, तो मुसाफिरों को क्या क्या खाने को मिलेगा? मुसाफिर की डिमांड के ऊपर। अच्छा जी जी जी, बना के रहेगी, मतलब कुछ इस तरह नहीं कि स्पेसिफिक कुछ तरह प्लेटर वगैरह बनाते हैं? आप ही अपने आप को मुसाफिर जी, बिल्कुल जी, आप हमें चिकन रोस्ट बनवा दो। अच्छा जी, कढ़ाई बना दो जी, या चिकन रोस्ट बनवा दो। अच्छा जी, चिकन कौरमा बनवा दो, या कोई भी मतलब ऐसी आप कोई भी हमारे पास जो रेगुलर खाना होगा ना जी, चिकन कौरमा जी, राइस नान दाल रायता अचार। अच्छा, ये रेगुलर होगा पैकेज है, चिकन बिरयानी भी हम आपको बना कर। ये तो मुसाफिर, ये मुसाफिरों की डिमांड है कि क्या खाना पसंद करें। इंशाल्लाह पूरी करेगा और हम करेंगे इंशाल्लाह। तो आपका पहले दिन जा रहे हैं आप ट्रेन के साथ, अल्लाह आपका सफर आसान करे, साथ खैरियत से पहुँचे हम अपनी मंजिल तक इंशाल्लाह। जितने भी मुसाफिर हैं, बिल्कुल। अच्छा, आप सिर्फ लाहौर तक होंगे डाइनिंग कार लाहौर तक या पिंडी तक है? सर, अब ये तो लाहौर जाके पता लगेगा। अच्छा जी, और अल्लाह ताला हमारे ठेकेदारों को भी जिंदगी हुई, दिनों में हमारे लिए कैटरिंग का काम करी, मजदूर बिल्कुल सब इकट्ठे हो गए, फिर एक ट्रेन चलती है। बिल्कुल सही है, हमारी तो ये दुआ है कि हम सब इकट्ठे ही रहें। बिल्कुल जी, ओके सर, बहुत शुक्रिया। तो ये डाइनिंग कार के हालात है कुछ। तो जहाँ पर इनॉग्रेशन होना है ट्रेन का, वहाँ पर जो ट्रेन की सूरत हाल है वो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से सजाया गया है। बाकी जो है वो ट्रेन को इतना खास कोई नहीं सजाया गया। तो दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डीएम एनसीएस, तो चलें से थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? अल्लाह करम, ठीक है, आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, सबसे पहले अपना तारुफ करवाइएगा, उसके बाद फिर हम बात कंटिन्यू करते हैं आपसे। मेरा नाम जी अब्रार अवान है जी, मैं डिविजनल मैनेजर हूँ फ्रॉम द एनसीएस कंपनी। एनसीएस कंपनी जी, कंपनी ने लिए है बिल्कुल। टुडे इज आवर इनॉग्रेशन सेरेमनी, अल्लाह की तरफ से वी आर स्टार्टिंग टुडे एंड वी हैव इनॉग्रेटेड अवर तेजगाम 7 अप फ्रॉम रांची टू रावलपिंडी। तो सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने बहुत अच्छी ट्रेन ली है जिसके पैसेंजर भी काफ़ी हैं, पैसेंजर पसंद भी करते हैं इस ट्रेन में सफ़र करना। तो पहला सवाल ये है जो हर मुसाफिर पूछना चाहता है कि प्राइवेट होने के बाद क्या कोई फेयर वगैरह या किराया वगैरह आप लोगों ने इस ट्रेन का बढ़ाया है या नहीं?
नहीं एज सच हमने किराए वगैरह नहीं बनाए जी, आवर अटमोस्ट ट्राई विल बी टू जी। अच्छा तो दूसरा सवाल ये है कि आप मुसाफिर जो है वो क्या वाजे तब्दीली देखेंगे तेजगाम में, कि जब पहले ट्रेन सरकार के पास थी उस वक्त क्या तब्दीली थी और अब जब ट्रेन प्राइवेट हुई अब क्या तब्दीली देखने में आएगी ट्रेन में? सही सही सही। इसके अलावा क्या आप मजीद और ट्रेन भी लेंगे पाकिस्तान रेलवे की? जी वी ऑल्सो अटेंड टू यू नो टेक द ग्रीन लाइन शालीमार ऑल्सो। अच्छा जी ग्रीन लाइन एंड शालीमार मतलब दोनों ही एक तरह से आप कह लें टॉप प्रायोरिटी ट्रेन है पाकिस्तान रेलवेज की जी। तो बहुत शुक्रिया सर आपने टाइम दिया, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी जब आप नई ट्रेन के इनॉग्रेशन करेंगे। थैंक यू सर जी। तो दोस्तों ZCU-30 नहीं बल्कि GU-49004 ट्रेन को लीड कर रहा है आज, तो भी लोकोमोटिव को सजाया जा रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो जब इसको कम्प्लीटली सजा दिया जाएगा फिर एक आपको लुक दिखाएंगे इंजन का कि कैसा लग रहा है। तो अब सफाई के लिहाज से भी आपको घबराने की बात नहीं है, ये आप बंदे देख रहे हैं जिन्होंने ये ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हुए हैं, ऑरेंज कलर के ड्रेसेस जिनके हैं, ये पूरा अमला जो है ट्रेन के साथ चलेगा और आपकी ट्रेन को जो है वो साफ सुथरा रखेगा, एक अच्छे मियार के मुताबिक ट्रेन को लेकर जाएगा। तो ये NCS के स्टाफ का यूनिफॉर्म है जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त, जो कि इस वक्त ट्रेन के सामने खड़े होकर अपनी इनॉग्रल पिक खिंचवा रहे हैं। काफ़ी एनर्जेटिक स्टाफ जो कि आज ट्रेन को लेकर जाएगा पिंडी तक। तो अंकल जी आपसे एक सवाल रह गया था करना, वो ये था कि मैंने कोचेस देखे अभी ना कि कोचेस की कंडीशन मुझे पर्सनली ठीक नहीं लगी, तो क्या आपका ऐसा इरादा है कि कोचेस वगैरह के लिए कुछ आप करेंगे? जी जी बिल्कुल, हमारा इरादा नहीं, इंशाल्लाह अनकरीब हम न्यू रैक्स हमारे आएंगे। न्यू रैक्स आएंगे बताया जी, मतलब बहुत जल्द आवाम जो है तेजगाम की नई सर्विस के साथ साथ नए रेक्स में भी सफर करेंगे। बहुत शुक्रिया, सवाल रह गया था असल में ना लेकिन मुझे याद था, थैंक यू। तो दोस्तों 6:55 हो चुके हैं और अब से कुछ ही देर में उम्मीद है कि ट्रेन को जो है यहाँ से सिग्नल मिल जाएगा यहाँ से निकलने का। तकरीबन 1.5 घंटा जो है लेट हो चुकी है ट्रेन इस वक्त तक अपने फर्स्ट डे, और इसकी वजह यही है बारिश, जब बारिश होती है तो पूरे रेलवे का निज़ाम जो है वो धर्म भरम हो जाता है। वो आउटर पर आप देख सकते हैं कि वो शाहजहाँ एक्सप्रेस खड़ी हुई है जिसे कराची जो है वो तकरीबन 2 बजे पहुँचना था, जबकि 7 बजे जो है इसका यहाँ से निकलने का टाइम है, लेकिन वो अब तक कराची के प्लेटफॉर्म पर ही नहीं लगी तो वापस कब जाएगी। ज़रूर आज सक्खर एक्सप्रेस ही जाएगी शाह हुसैन बनकर। तो दोस्तों फाइनली पूरे 7 बजे जो है ट्रेन ने अपना फर्स्ट डिपार्टिंग व्हिसल ले दिया है और ट्रेन अब GU-49004 के साथ बिल्कुल तैयार है कराची कैंट रेलवे स्टेशन से निकलने के लिए। लाइट्स ऑन हो चुकी हैं, सेकंड डिपार्टिंग व्हिसल भी हो चुका है और ट्रेन अपना फर्स्ट रन ले रही है एज प्राइवेट ट्रेन रावलपिंडी के लिए। वो सामने शाहजहाँ एक्सप्रेस को भी प्लेटफॉर्म पर प्लेस किया जा रहा है।
आ गए आप भी। तो जैसा कि आपने सुना कि एनसीएस की जानिब से ये कहना है कि बहुत जल्द ट्रेन का जो रेक है वो नया हो जाएगा और हमें बहुत उम्मीद है कि ये तेजगाम एक्सप्रेस जो इस तरह को पुराने रूप में दिख रही है ये एक नए रूप में सामने आएगी पाकिस्तान रेलवे की सर्विस में। अगर आप देखें एनसीएस की जाने से सिर्फ 4 बिजनेस क्लास के जो कोचेस थे उन्हें ही सजाया गया है, बाकी ट्रेन को नहीं सजाया गया। ये डाइनिंग कार जो आपको पहले नहीं देखने को मिलती होगी तेजगाम में, लेकिन अब आप यहाँ पर बैठकर आराम से अपना खाना एंजॉय करते हैं। इस कोच को देखकर मैं काफ़ी डिसर्ड हुआ, मगर ये पीछे के जो 4 इकोनॉमी क्लास के कोचेज होते हैं ये सिर्फ जो है लाहौर कोटा तक है, यानी कि पिंडी नहीं जाते। तो ये थी प्राइवेट होने के बाद की 7 अप तेजगाम एक्सप्रेस जो कि आज अपना फर्स्ट रन ले रही है कराची से लेकर रावलपिंडी तक, जबकि रावलपिंडी से जो प्राइवेट होने के बाद तेजगाम थी वो निकल चुकी है सुबह 8 बजे, जो कि कल सुबह पहुंचेगी कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर। और ये शाह हुसैन एक्सप्रेस जो है वो इस वक्त प्लेस हो रही है कराची कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर, जबकि ट्रेन इस वक्त देख सकते हैं आप तकरीबन खाली ही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कराची में मौसम भी बहुत अच्छा है, आज की रेल प्लानिंग करने का काफ़ी मज़ा आया, आज की ट्रेन को कवर करने का काफ़ी मज़ा आया। आपसे जल्दी बात होगी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।